हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कहाँ गई गोरैया। बच्चों, गोरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत ही प्यारी लगती है। हमारे घर आंगन में हम अक्सर उसे देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी गायब होती जा रही है। लेकिन हमें उन्हें संरक्षित करके रखना है। उनके लिए पीने का पानी, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। आइए, इस पाठ के माध्यम से हम गोरैया के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। आ मेरी गौरैया आ, चींची फुदक गौरैया आ, मैं भी खाऊं तू भी खा, चोच में दाना लेती जा। केशव, दादी खाना खाते समय रोज किसे बुलाती हो? दादी, बेटा गौरैयों को बुलाती हूँ। केशव, कैसी होती हैं गौरैया? दादी, गौरैया छोटे आकार वाली, घरों में अधिकार से बसेरा करने वाली प्यारी सी चिड़िया होती हैं। पहले सुबह होते ही घर के आंगन में, पेड़ पर, घर के अंदर ची 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 करके शोर मचाती रहती थी। हम रोटी के कुछ टुकड़े आंगन में डाल देते थे, वे उन्हें पाने के लिए आपस में झगड़ती थी, फिर मुंह में खाना लेकर फुर्र से उड़ जाती थी। केशव, तो दादी अब गौरैया कम क्यों हो गई? दादी, बेटा अब बहुत से मोबाइल टावर बन गए हैं, इनसे निकलने वाली तरंगे गौरैयों के कम होने का कारण है। खेतों में कीड़ों को मारने वाली विषैली दवाइयों का अधिक प्रयोग भी इनके लुप्त होने का कारण है। गौरैया को बचाने के लिए दुनिया भर में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने गौरैया को दिल्ली की चिड़िया घोषित किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इसका आनंद लिया होगा। आप भी जान गए होंगे गौरैया के बारे में और आपको पता भी होगा गौरैया कौन सी छोटी सी चिड़िया होती है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।